हाँ भाई, कुछ होमवर्क दिया था मैंने, बताएं। हाँ नहीं दिया था? दिया था यार, दिया था, दिया था। हाँ क्या? पीलीभीत? पीलीभीत नहीं, हो पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हाँ क्या है भाई उसके बारे में बताएं थोड़ा। ठीक है, हर उसकी यही होती है, 65 टाइगर्स हैं यहाँ पे। और क्या है, होता है ना, टाइगर इनटू टू है ना, 4 साल में डबल कर दिया था इन्होंने। और ठीक है, तराई रीजन में आता है, वेरी नाइस, बिल्कुल। गोमती रिवर यहीं से निकलती है ना, और ठीक है, और कुछ खासियत इसकी? बस ठीक है। और दूसरा एक और टाइगर रिजर्व आया था शायद, अमनगढ़। हाँ ठीक है, क्या था अमनगढ़ में? ठीक है, ये यूपी में रह गया और जिम कॉर्बेट यूके में चले गया। ठीक है फिर। हाँ उसके ऊपर पड़ा है। ठीक है ठीक है ठीक, चलो नेक्स्ट। और कुछ? एनिमल कॉरिडोर क्या है ये? नहीं मेरे को पता है कौन सा एनिमल कॉरिडोर है। ठीक है हाँ, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक जो है वाइल्ड लाइफ एक तरह से आ जा सकती है ना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब यही होता है, याद रखना है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, निराक्षी क्या था? क्या था? एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल था। क्या यूज में है ये? पढ़ा तो था अपने, अंडर वाटर जो, ठीक है ना, माइंड को डिटेक्ट करता है, माइंड डिस्ट्रॉयर है एक तरह का ये। हाँ बनाया इसको, ठीक है। और ठीक है, 12 घंटे तक ये चल सकता है। ठीक है ना, सोनार सिस्टम सबको पता है क्या होता है? सोनार, सोनार पता है, वेल्स जिसको यूज करती है स्पेशली। देखो सोनार सिस्टम कैसे काम करता है, एक चीज ध्यान रखना। जैसे मान लो भैया ये एक शिप है, ठीक है, ये बन गया वो इस तरह से है ना। ठीक है, तो मान लो ये सी बेड है ना, अब यहाँ पे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ से इस तरह से रेज भेजते हैं जो टकरा के वापस आती है, साउंड स्पेशली यूज करते हैं। ठीक है, अब जब ये यहाँ शिप यहाँ पहुंचेगा तो देखो यहाँ से जल्दी आ जाएगी थोड़ी सा है ना, मतलब कुछ तो डिफरेंस महसूस होगा इनको, और इस डिफरेंस से क्या होता है ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, अरे समझ में कितना गहरा होगा, क्या हो होगा वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं अपन, सोनार सिस्टम है ना, यही जब एयर में यूज होता है इसको बोलते हैं अपन रडार। चलो नेक्स्ट। निराक्षी के अलावा अपन कुछ और यूज कर रहे हैं? तो ये तो फर्स्ट इंडिजिनियसली है, इसके पहले यूज नहीं कर रहे थे हम लोग कोई सा। ठीक है कोई बात नहीं, होता है। चलो नेक्स्ट। ओपन स्कूल, ठीक है, ये भी दिया था क्या? चलो क्या भाई, ओपन स्कूल, ठीक है, वो इंदिरा गांधी ओपन स्कूल देखा है आपने है ना, इग्नू जो है,
वो यही करता है, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, स्पेशली जो जॉब करते हैं व्यक्ति वो वही ज्वाइन करता है, ठीक है, तो मतलब यही होता है। चलो नेक्स्ट, और कुछ आगे बढ़ो, ये काम का नहीं इतना, बाकी लोग बताओ भैया क्या होमवर्क, ये होमवर्क अच्छा हो गए, वो होमवर्क हाँ, दो बिल पास हुए, कौन कौन से, एक तो डेंटल कमीशन बिल, क्या है इसमें, ठीक है, है ना, मतलब वही जो डेंटिस्ट को रेगुलेट करेगा, ठीक, ठीक है ना, बात वही है कि देखो अपन देखते हैं कि डेंटिस्ट्री सबसे आखिरी में मिलता है, सबको पता है ना, अगर नीट दोगे तो सबसे लास्ट में एक तरह से डेंटिस्ट्री भी मिलता है ना, बीडीएस जो होता है, ठीक है, तो अब उसको एक तरह से रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलेशन के ऊपर ये है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट बिल कौन सा था, ठीक है, इसमें क्या है भाई, ये बिल लाया ही क्यों गया, अगर पूछू तो बताओ, मतलब देखो सीधी सी बात है, कोई फॉरेन नेशनल भी यहां आके ये नर्सिंग का काम कर सकता है, दूसरा वही सेम जो अभी अपने डेंटिस्ट्री में पढ़ा वैसे ही एक स्टैंडर्ड बना दो, है ना, और ये बहुत जरूरी होता है, देखो डॉक्टर वाला प्रोफेशन के लिए, जितना भी मेडिकल प्रोफेशन है उसमें एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है, वरना क्या होगा, झोला छाप डॉक्टर ही आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट को रिप्लेस कर रहा है, ठीक, चलो नेक्स्ट होमवर्क, हाँ भाई, कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया बताएं जरा, 1955 में आखिरी बार मिली थी विमेन को, ठीक है, कौन सा केस था, क्या था, शबनम अली केस, कब का था ये, देख के पढ़ रहा है ना तू, 2008 अभी का, अच्छा क्या मतलब कुछ केस नहीं पढ़ के, अच्छा सही है, वही 55 में, ठीक है, ठीक है, मेन वही है, देखो कैपिटल पनिशमेंट में मैंने बताया था ना, दो आते हैं, कौन, एक तो कौन है, मिट्ठू और दूसरा बच्चन, याद रहेगा, ठीक, ठीक है, ये नंदिनी के वाला वही है, ये राजीव गांधी केस, मैं एक्चुअली सुनना चाह रहा था कब से ये वाला, नहीं नहीं उन्होंने, प्रियंका गांधी ने तो माफ ही कर दिया ना उनको, पता कि नहीं आप लोगों को, माफ करा दिया उनको, बोले अब छोड़ सकते हैं आप इन लोगों को, जैसे मेरी तरफ से कोई केस नहीं है इनके लेकर, ऐसा है नहीं, मतलब देखो क्या है ना, राजीव गांधी वॉज किल्ड ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, नॉट ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ये चीजें हैं, मतलब आप, मैंने आपको बोला भी था, मद्रास कैफे मूवी देखो आप, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ बताया गया है ना, तो राजीव गांधी से कोई पर्सनल किसी को कुछ नहीं था, पर्सनल एक अलग चीज होती है, एक पॉलिटिकल रीजन एक अलग चीज हो जाती है, जैसे देखो अपनों ने बताया था वो क्या नाम है, यूएस के प्रेसिडेंट नहीं अब्राहम लिंकन है ना, उनको भी एक बेरोजगार व्यक्ति ने गोली मार दी थी, ठीक है, जबकि वो तो खूब चर्चित वो थे कि भाई इन्होंने खूब अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए काम किया, पर ये जगह हो जाता है, तो एक पॉलिटिकल रीजन है, कोई पर्सनल तो उनसे कोई दुश्मनी थी नहीं उसकी, तरह से आया कुछ समझ में, ऐसा है ना, तो चलता है ऐसे, तो प्रियंका गांधी ने उनको माफ कर दिया है, मिला और बकायदा मतलब दो एक साल पहले की न्यूज है, ठीक है, चलो फिर बताए, ठीक है, इसमें क्या है, हम्म,
तो इनको फांसी हो गई है सबको, ठीक है। और सबसे लास्ट फांसी कब को किसको हुई है? कब किसको? 2020 निर्भया वाला है ना, और कोई? ईयर इतने पुराने नहीं, अपनों को बिल्कुल रिसेंट से मतलब होना चाहिए, है ना? अपना रिसेंट 10-12 साल तक, ठीक है? चलो, इससे ज्यादा पुराना अपने काम का नहीं है। और फिर एक और पता करके आए तुम, सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस किसमें बोला था? बच्चन सिंह, याद रखा है? मिट्टू बच्चन में क्या डिफरेंस है? एक मिट्टू वाला केस है, पता है ना, और एक बच्चन वाला केस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? अरे लिखा है तुम लोगों ने कि नहीं लिखा था उस दिन, बस सुन के चले गए थे यहां से तुम्हें केस से। जरा कल लिख लोगे थोड़ा सा, है ना? देखो, कभी भी कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी का अगर कुछ भी आ जाए तो गिनती के तो दो केस है अपने पास, है ना? और वो दो केस के डिफरेंस ही तुम्हें नहीं पता, मतलब वो दो क्यों है, एक ही तो हो सकता था, मतलब कुछ तो अंतर होगा ना दोनों में, करके आओ। चलो नेक्स्ट। अरे और भी कोई है भाई जो होमवर्क बताएगा मुझे? हाँ हाँ भाई, क्या है ये? एंडेमिक है इंडिया, ठीक है। अरे नाम बोलो, नाम बोलो भैया, देखें क्या है। व्हाइट स्ट्रिप्ट वाइपर भी और गेको भी है ये, वाह यार। हाँ मतलब दिखता है ऐसे कि सांप पे, पर पैर आ जाते एकदम उसके, है ना? ठीक है। हाँ क्या बोल रहे बोले, ठीक है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, रत्नागिरी का और क्या फेमस है? मैंगोस, है ना? देखा रत्नागिरी का लोकेशन, कभी घूमने जाना का भी, बहुत मजेदार जगह, बिल्कुल बीच पे है ये रत्नागिरी, बहुत शानदार जगह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। और क्या स्पेलिंग? SAW, ये वाला? अच्छा सिर्फ एक एल, जेड वाइपर, ठीक है। गेको के वाइपर ही है ये, सांप ही है, ठीक है। क्या है इसमें? ठीक है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया और श्रीलंका, पाकिस्तान में, ठीक है। और ठीक है, लीज कंसर्न है ना, और सौ स्केल है, मतलब वही सांप जैसे चमड़ी इसकी, ठीक है। और हाँ क्या था ये? ठीक है, एम्फीबियन है, और वही वाला, और डिफरेंट, ठीक है। छोड़ो कोई बात नहीं, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े फटाफट, बस अच्छा ठीक है ना। एक छोटा सा पता करके आओ, ये तो ठीक है, इससे थोड़ा सा अलग हटके। कोंकण रीजन में कुछ रॉक पेंटिंग्स मिलती है, क्या मिलती है? रॉक पेंटिंग मिली है, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में, मतलब इनफैक्ट ईयर तक समझ भी नहीं आ रहा है उसका, ठीक है। तेरा पता करके आओ, हाँ भी कुछ 7-8 साल पहले ही मिली है, ठीक है। हाँ भाई, हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया, बताए जरा फट। टोटल 18 है। हाँ कौन कौन सा? हाँ नवण्या क्या था? बंगाल में मनाया जाता है। दूसरा बिहू कर्नाटक
हफ्ता बने जाएगा असम में, फिर कैसा? ठीक है, ठीक है, हार्वेस्ट होता है वही, मतलब सोइंग और मतलब वो ग्रो हो रहा है उस टाइम, और फिर पूरे टाइम पे फेस्टिवल मनाते एक तरह से। चलो बढ़िया यार। और दूसरा मकर संक्रांति हो गया, फिर ठीक है बैसाखी, और बस लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल को नाम नहीं है इसका। ठीक है ऑब्वियस, लोहड़ी ठीक है, और ठीक है बसंत पंचमी, क्या नाम है वांगला, ठीक है गारो ट्राइब बनाती है, ठीक है ठीक है, नौखाई ओडिशा में, ठीक है और ठीक है, गुड़ी पड़वा इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, अच्छा ठीक है, ओणम केरला में, क्या नाम है पोंगल तमिलनाडु में है ना, और ठीक है उगाड़ी है ना, और कौन सा है विशु, ठीक है और अजेरा मुंबई में होता है, मुंबई में हार्वेस्ट भी होता है कुछ चीज का, ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना जरा, मुंबई में किस चीज का हार्वेस्ट कर रहे हैं, मुंबई में जगह भी है खेती करने की है कि नहीं। चलो फिर त्री कहाँ, अच्छा कहाँ होता है अरुणाचल की पटानी ट्राइब, ठीक है ठीक है, और कुछ? चलो नेक्स्ट होमवर्क, बस हो गया इतना ही था, चलो ठीक है। क्या अच्छा ठीक है कुछ भी, हाँ किसे ग्रो होगा वहां पे जगह ही नहीं है यार, ठीक है अच्छा ठीक है, चलो भैया ये पढ़ लिया अपनों ने, मेरी माटी में देश कर लिया अपनों ने, ठीक है देख रहे हो 3 वर्ष में कितनी लड़कियां और महिलाएं लापता हुई, 13 लाख है ना, उसमें से देखो सबसे ज्यादा कहां से है, आज भरते आईटीआर नहीं तो लगेगा, देखो क्या है अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे का इसरो ने खोजा, खोज निकाला समाधान, क्या या फिर हो सकता है इनकी न्यूज खूब आ रही है, आ तो पहले भी रही होगी ये, मेरे को समझ, मैं बोल तो रहा हूँ ये बीएसएफ बीएसएफ कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा है, सुनो ये तो मत पढ़ो तुम लोग ये अक्षय कुमार वगैरह को पढ़ने तो उनको मूवी बनाएंगे इस पे अपने काम करनी है ना, खैर जरा एक पढ़ के आओ स्पेस जंक, इसके बारे में ढूंढो क्या क्या है ना, स्पेस जंक जिसे देखो मैंने बताया था चाइना ने एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी दिखाई थी दुनिया को है ना, जरा ये भी पता करके आना कि कितनी कंट्रीज है जो क्या कर सकती है सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकती है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, और स्पेस जंग के बारे में क्या क्या पढ़ोगे, किस तरह से स्पेस जंग फैल रहा है और अभी कौन कौन सी कंट्री या क्या क्या इसके लिए इफर्ट किए गए हैं इसको हटाने के लिए, ठीक है, और स्पेस जंग के बारे में सब कुछ पढ़ के आना, कैसे हो गया कब तक रहेगा ऐसे क्या कारण हो गए कि साफ नहीं हो पा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है इससे होता क्या है,
सब चीजें है ना। और ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। हाँ अर्थ की रिंग बनती जा रही है, ठीक है, होता ही होता है। सैटर्न की जो रिंग्स अपने को देखती है ना, वो भी याद रखना धूल के बारीक बारीक कण है जो अपने को दूर से एक रिंग जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। कोई काम को नहीं हुआ ना, देखो भारत और ग्रीस कहां पे कर रहे हैं, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, इसका मकसद है, ठीक है। और कुछ काम का है ये, चलो ठीक है, बस ये पता लग रहा है कि भैया ग्रीस के बीच में हो रहा है। आर्टिकल 370 सबको पता है ना, किससे रिलेटेड है पता है सबको, जिसको नहीं पता है वो पॉलिटी में पढ़ेंगे अपन फिर। चलो है ना, तस्करी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रैफिकिंग, ठीक है। देखो कितना सही है ना, घर लौटे पंचायत प्रतिनिधि और क्या बोले, तो घूमने गए थे बेचारे होते ऐसे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइए। लिख लो नाम, पढ़ के आइए इनके बारे में, क्या इनकी कोई आइडियोलॉजी थी, कोई फिलॉसफी थी, कोई प्रिंसिपल्स थे, कोई बुक लिखी है, इंडिपेंडेंस में क्या था रोल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हर चीज है ना। और थोड़ा सा ये वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। और देखो क्या बन रहा है, वाला घाट पे है ना, अविश्वास। हाँ मैंने ये होमवर्क दिया था, अभी तक कितनी बार नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन आए हैं, 28। तो लेटेस्ट कब आया था, इसके पहले के 2020 में आया था, 18 में आया था। देखो सबसे बड़ी बात क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कभी सफल नहीं रहा। इन तीनों को जानते हैं आप, बीपी सिंह, देवगौड़ा और ये तीनों में कॉमन क्या है, तीनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना। नाम सुना आपने सबने, देवगौड़ा, देवगौड़ा के पहले कौन थे, सबके नाम ले ले, एक आध तो बिट बैठी जाएगा। जरा एक काम करो, इंडिया में कितने पीएम रहे जरा पता करके आओ तो, है ना, पीएम पीएम।
ठीक है, विचलित करने वाला तथ्य फिर क्या है, नौकरशाही को भी जवाबदेह बनाया जाए, है ना। नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, मतलब जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसको क्या बनाना है अपने को, जवाबदेह मतलब अकाउंटेबल। ठीक है, ये वाला आर्टिकल पढ़ोगे बहुत जरूरी है, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो फिर क्या है, सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की पहल, ये वाला थोड़ा सा पढ़ लोगे। ठीक है, चलो फिर क्या है, भारतीय ज्ञान प्रसार बनेगा भारत, ये वाला आर्टिकल भी काम का भैया। देखो न्यू शिक्षा वो अपने जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला उसके ऊपर है ना। वो देखो ये वाला जरूर पढ़ना, क्या हो रहा है एजुकेशन में, क्या बढ़ रहा है अब। ठीक है, थोड़ा ये करके आना, इंडिया पिछले 20 सालों में जीडीपी का कितना हिस्सा एजुकेशन के लिए खर्चा करता है, इंडिया प्लस स्टेट्स के बारे में पता करना है ना, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा करता है, कौन सा स्टेट सबसे कम करता है। ठीक है, और जहां पे कम हो रहा है वहां पे एजुकेशन का स्तर क्या है, जहां पे ज्यादा हो रहा है वहां पे एजुकेशन की हालत क्या है, है ना, क्या है परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर एजुकेशन। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है भाई, लो क्या बोल रहे हैं, 2030 तक प्रति व्यक्ति आय 70% बढ़कर कितनी हो जाएगी, $4,000। अभी कितनी है अभी नहीं बताया, देखो 2001 में कितनी थी हमारी प्रति व्यक्ति आय, समझते हैं ना, देखो टोटल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन कर देते हैं ना जो निकल के आ जाता है, तो देखो कितनी थी $460। 2011 में कितनी हो गई, 2021 में कितनी हो गई, और 2030 तक कितना बोल रहे हैं 4000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इतना अच्छा दिया था यार, चलो नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, सीधा सा होता है जीडीपी कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जिस जगह की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसकी पर जो होती है ये पर कैपिटा इनकम ये कम हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली चीजें हैं, अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या होगा, ज्यादा आएगा, और न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो कम आएगा, वैसे ही फंडा है। क्या है भैया ये, वन्य प्राणी कार्य योजना, इंग्लिश में कुछ बोला है क्या इसको, राज्य वन्य प्राणी कार्य योजना, थोड़ा सा पता करके आना भैया क्या नाम है इसका। देखो अच्छा आया इस वजह से, देखो घड़ियाल में हम लोग कैसे हैं, फर्स्ट पे ही चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ ला और बताना मुझे। ठीक है, कौन सा भैया, चेन्नई में आदि उत्सव मनाने के लिए आयोजित, क्या होता है इसमें, श्रद्धालु अपने शरीर में क्या करते हैं, तार और अन्य नुकली जैसे छेद करते हैं, देखा होगा आपने इस तरह से वो रहता है कई जगहों पे, है ना। वैसे आपको पता ना ऐसे में ब्लड क्यों नहीं निकलता, क्या नहीं निकलता, देवी की कृपा रहती। देखो क्या है, साइंस है, अपनी जो स्किन है ना उसमें कई लेयर्स होती है, आपने देखा हर टाइम अगर कुछ भी कट लगता है कि ब्लड निकलना चालू हो जाता है क्या, नहीं होता है ना, ब्लड क्योंकि कहाँ होता है, है ना, तो जब तक आर्टरीज हर्ट नहीं होगी क्या नहीं आएगा, आ रहा कुछ समझ में, बस अपने को क्या करना है, आर्टरीज को हर्ट, आ रहा कुछ समझ में, तो सुई ऐसे डालो कि आर्टरीज हर्ट नहीं हो, बात खत्म। ठीक है, ये भी मतलब मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है, गलती से भी एक आध हो गया तो
चलो क्या है भैया, ये वाला थोड़ा पढ़ लेना भाई, अभी जो इसरो ने लॉन्च किए सैटेलाइट वो क्या क्या काम के थे, है ना। चलो ठीक है छोड़ो। ऐसे ही कम होमवर्क होता रहा ना, आधे आधे घंटे में निपटेगी सब चीजें अपनी। अच्छा एंग्री, ठीक है। जेएन के सोल्जर ओनली वो सर्च ऑपरेशन, किसान की बात, किसान वाणी वायर। इसका पता नहीं इस वर्ड का मतलब, ये जो दिख रहा है ना इसी को क्या बोलते हैं, जो लिख रहा हुआ है ना, क्या इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं, है ना, ये घुड़सवारी वाला जो होता है ना, ठीक है। सोचो क्या राइड करता था ये भैया, और फिर क्या लिखे, एशियन गेम्स, ठीक है। अभी आपको पता है यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं, इंडिया ने अभी कल ही सिल्वर जीता है उसमें, नहीं पढ़ते मेरे ख्याल से तुम लोग। देखो जो मैं पढ़ाता हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें पढ़ना ही नहीं है, है ना, क्योंकि मेरे पास एक टाइम कंस्टेंट है जिसमें मेरे को फटाफट निपटाना है। स्कैटर्ड नरेट द दिल्ली, ठीक है। There are stories of Matthew saving each other. ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है मणिपुर में किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जरा कल लिख के लाओ, मणिपुर की जो सिचुएशन है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा ढूंढना, सर्च करना, अच्छे अच्छे पॉइंट थोड़े से निकाल के रख लेना, है ना। और कोई प्रीवियस को ऐसे एग्जाम्पल्स है अपने पास जहां पे इस तरह की हरकतें हुई थी या इस तरह का इंसिडेंट हुआ था और फिर क्या हुआ, उसको रिजॉल्व किया गया और अब सब बढ़िया रह रहे हैं, है ना। ठीक है, देखा आप लोगों ने, हुआ यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग, है ना। एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक होता है जरा पता कर क्या हो तो। देखो एक तो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे काम करना, है ना। फिर एक होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, देखते ना। फिर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और फिर है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इनमें जरा डिफरेंस पता करके आओ तीनों में, है कि नहीं, पता तो करो अपने, ढूंढोगे थोड़ा तो मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा तो कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इसी बताओ मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होगा, बस सिंपल पूछ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, देख ये वाला पढ़ लेना आप लोग, है ना, बताना कि कौन कौन से सैटेलाइट है ना, इसमें क्या इंडिया का भी कोई सैटेलाइट है, इंडिया वाला गया है तो कौन सा है, क्या काम करेगा वगैरह वगैरह, है ना। चंद्रयान के बना लिया पूरा, हर सैटेलाइट का जो 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 भी चीजें भेजी है उनके बारे में लिख लिया है, पढ़ लिया है ना, टेस्ट में आ गया तो कर लोगे ना, ठीक है, फिर तो दिक्कत ही नहीं।
अच्छा लो भैया, बिल टू अमेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पूरा आ गया, पढ़ लोगे अब ये वाला कि उसके क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या कंसर्न है ना। देखो क्या मिला है ना, और रिवाइव आफ्टर कितने साल बाद, ठीक है पढ़ लोगे। देखो कहां पे मिला ये, हर्शल आइलैंड कोस्ट ऑफ कनाडा। देखो एक चीज होती है परमा फ्रॉस्ट है ना, परमा फ्रॉस्ट को देखो बोलते हैं परमानेंट फ्रॉस्ट, इन दो वर्ड क्या होता है परमा फ्रॉस्ट। ये कैसी जगहों पर होता है जो हमेशा ऑलमोस्ट ठंडा ही रहता है, ठीक है। देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ह्यूमस, क्या होता है ह्यूमस, प्लांट्स का जो चीज जो डिकम्पोज होता है वो क्या बन जाता है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल ह्यूमस बन जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे आपको पता ना इस तरह से होता है, नीचे बेड रॉक होता है, ऊपर इस तरह से अलग अलग रॉक्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो यहाँ पे ह्यूमस होगा, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे ह्यूमस होगा ऐसा मान लो चलो, जैसे तुम्हें पता है अभी, ठीक है। अब भाई बर्फ गिर गई, ठीक है, अब क्योंकि बर्फ गिरी और बहुत यहाँ पे ठंडा था तो बर्फ पिघलेगी नहीं पिघलेगी, ठीक है। अब क्या हुआ इस बीच में यहाँ पे नया ह्यूमस जम गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, पर ये बर्फ कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। ये जो नीचे रह जाती है बर्फ इसी को क्या बोलते हैं अपन, याद रहेगा कोई दिक्कत, देखो ये इसी के अंदर फॉर्म्स मिले हैं, है ना, समझ में आ गया, पढ़ लोगे अब ये वाला, है ना, मुझे बताना क्या है इसमें, क्या चीजें मिली है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, मॉनसून एंड फूड इन्फ्लेशन। इसमें देखो कैसा लिखा है ये अपने काम का, देखो ये टेबल किस तरह से रहता है, इसमें जैसे देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मल एरिया और एरिया सोन अंडर खरीफ क्रॉप एज ऑन, यानी ये देखो क्या बता रहा है, जो खरीफ क्रॉप है सबसे पहली बात तो है ना, तो आपको क्या मिल गई यहाँ पे देखो एक लिस्ट खरीफ क्रॉप, दूसरा आपको ये पता लग गया कौन सा खरीफ क्रॉप सबसे ज्यादा ग्रो होता है, दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा इस तरह से बना लोगे, हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो यार, ठीक है। सबसे कौन कम कौन सा दिख रहा है, रागी, नहीं रागी है, रागी उससे भी कम है, अब तो कितना है ना, समझ में आ रहा है, सीधा वो बोल सकता है कि भैया रागी का जो एरिया ग्रोन है वो क्या हुआ है रिसेंट ईयर में रिड्यूस हुआ है, अपन बोलेंगे ये कौन पढ़ता है पर कहाँ लिखा था, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसा क्या क्या देखना पड़ता है ना। फिर देखते हैं राइस का क्या हुआ भैया, उल्टा बढ़ गया है। फिर क्या हुआ है मेज का, देखो क्या हुआ है, बड़ा है ना, बाजरा बड़ा है, ज्वार ऑलमोस्ट सेम है, रागी कम हुआ है, पल्सेस कम हुआ है, इसमें देखो पल्सेस में भी अरहर कम है, उड़द कम है, मूंग भी कम है, ऑयल सीड, सब देखो ऑयल सीड में अपन देखते हैं सोयाबीन क्या हुआ है बड़ा है, ग्राउंडनट कम हुआ है, सीसम है, कॉटन में देखो क्या है कम हुआ है ना, और शुगर केन में क्या है बड़ा है, समझ में आया किस तरह से क्या है, नॉर्मल का मतलब है इतना तो ग्रो होता होता है पर अभी क्या हुआ है इतना ही हो रहा है, नॉर्मली इतना हो जाता है, कुछ समझ में आया, मतलब देखो रागी कितना हो जाता है पर अभी कितना ग्रो हो रहा है सिर्फ, ठीक है, और ये क्यों ऐसा हो रहा है, कम क्यों ग्रो कर रहे हैं उसको, अरे डिमांड सप्लाई रे, रागी कौन खाता है इतना, हाँ पर चावल छोड़ के मिलेट चालू कर दिए, नहीं करे ना, बातें हो रही है अभी है ना, खाते लगते है कैसा लग रहा है, आया कुछ समझ में, धीरे धीरे आएगी चीजें है ना। फिर देखो क्या हो रहा है, अच्छा चलो टोमेटो पता है, ऑनियन पता है, ओकरा क्या होता है भैया पता है सबको, लेडी फिंगर पढ़ा आप लोगों ने, एक्चुअल वर्ड क्या है याद रखना है ना, और कुछ दिखा है इसमें, मॉटल गॉड क्या होता है भाई, स्पिनिश पता है, स्पिनच
पता है, चलो ठीक है ठीक। आखिर क्या लिखा है? जो मम्मी क्या बोलती है अपने को, मम्मी अपने को दुनिया नहीं बोलती, मम्मी बोलती फ्री में लेके आना क्या रे क्या नाम है भैया? वाजिद अली शाह आफ्टर, ठीक है समझते हैं इनको। फिर क्या है? डेटा बियॉन्ड, है ना, ये बात देख भी रहे थे। अभी एनएसओ पे एक डिबेट चल रही है, तो क्या बोल रहे हैं वो देखो कि इंडिया का स्टैटिस्टिकल जो सिस्टम है ये क्या रिक्वायर करता है, रिफॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है स्टेट ऑफ द आर्ट? हाँ, राज्य के कोई मध्य प्रदेश पंजाब उसके कोई आर्ट को लगाना क्या होता है, जल्दी बताओ बड़ा हाँ हाँ कर रहे थे। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है, अरे सुन लो, ऐसा नहीं होता। अभी मौजूद स्थिति में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट तरीका, अरे कुछ समझ में, स्टेट ऑफ द आर्ट है ना। स्टेबलाइज प्राइस है ना, देखो सेंट्रल बैंक इन डेवलप इकोनॉमीज कंटिन्यू टू बैटल इन्फ्लेशन, आरबीआई फेसेस सिमिलर चैलेंज इन इंडिया। क्या हुआ इस लाइन का मतलब बताए मुझे, सब मुंडे ला रहे थे मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मतलब क्या हुआ बताओ, कहां सुना है कहीं देखा आपने? जैसे फेड रिजर्व अपन देख रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। फेड रिजर्व क्या कर दिया अभी, फिर से रेट्स बढ़ा रहा है, और रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और आरबीआई भी सेम फेस कर रहा है, आरबीआई ने क्या किया अभी इस क्वार्टर में ठीक है चलो है ना, अपने देखो फेड रिजर्व रेज इंटरेस्ट रेट बाय, ये पढ़ा था अपनों ने ठीक है। सोल्जर इन सोशल मीडिया ठीक है। अब देखो ये बहुत जरूरी भी है देखा जाए तो, पर वही होता है कि भाई सोल्जर भी इन द एंड क्या है, इंसान है, वो भी यूज कर सकते हैं हाँ ना। बाकी देखा आपने एक वर्ड होता है हनी ट्रैप है ना, और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हनी ट्रैप होते हैं, और अपने पास एग्जांपल्स आते हैं इसके, पता है कि नहीं पता है सबको ठीक है ना। मधुमक्खी की तरह क्या होता है हनी ट्रैप, अब हनी कहाँ होता है बेटा देखो जैसे एक एग्जांपल बता दे, फ्लावर रहता है अपने ने पढ़ा था वो, पता फ्लावर जानबूझ करके इतना खूबसूरत होता है ताकि मधुमक्खी उसके पास आए, सही बता रहा हूं मैं। अगर नहीं होगा तो मधुमक्खी क्यों लेके, मैं वहां क्यों जाऊं भाई, लोग बाग क्या नाम रखेंगे मेरा, अरे कुछ समझ में, इसलिए है ना जित तक ज्यादा खुशबू होगी मधुमक्खी उसको सूंघती हुई वहां पे आएगी, ये चीज होती है ना। मैंने बताया था नेक्टर बनाते हैं है ना, जिसको मधुमक्खी खाती है, वो खाने के चक्कर में भैया क्या हो जाता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन हो जाता है, देखा आपने पढ़ा था ठीक है। चलो चलो भैया देखो कौन है ये, जानते हैं आप इनको, जानते हैं आप, राहुल गांधी के चचेरे भाई है, सगे चचेरे भाई, नहीं पता, सगे चाचा के लड़के, संजय गांधी के लड़के हैं ये, संजय गांधी कौन है जानते ही नहीं, राजीव गांधी का सगा भाई, क्या कर रहे हो यार, नई जनरेशन बाप रे बाप देखो क्या दिया इन्होंने, स्मार्ट आइडियाज फॉर बिग सिटीज, थोड़ा सा पढ़ना अच्छा आर्टिकल लग रहा है ना। Cities must take lead on climate change rather than simply reacting on event. ठीक है, instead of pursuing smart cities, we should invest in harvesting and better drainage. क्योंकि ये चीज देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, problem हो रहा है cities में, ठीक है। लोकसभा सांसद है ठीक है, पीलीभीत से। देखो यहाँ पे दिया भी है तुम्हारे को उसका होमवर्क का, क्या है
ठीक है, पर याद रखना है यशवंत सिन्हा जी बोल रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, है ना, तो जरूरी नहीं आप इनका बिल्कुल कॉपी मार के आ जाओ। डिजिटल इंक्लूजन क्या होता है, डिजिटल इंक्लूजन क्या मतलब, लाइन क्या मतलब क्या हुआ देखो, अनलॉकिंग द बेनिफिट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड रिक्वायर कैटरिंग टू डाइवर्स नीड, जरा बताए मुझे जल्दी 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 बताओ भाई, अब होमवर्क नहीं तो यही कराऊं। डेवलपमेंट हाँ जल्दी बताएं भैया, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बिग बास्केट का दिख गया देखो, सुनो वो रास्ते, रास्ता नहीं क्या है ऐसे, वो रास्ते जिससे क्या किया जाए, डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन मतलब लोगों को डिजिटल उसमें लाया जाए। आया कुछ समझ में, नहीं आया, क्या आया, कैसे लाएंगे लोगों को डिजिटल, मतलब देखो जैसे ई गवर्नेंस में लाना, जो ज्यादातर जैसे अभी पता है बहुत से लोग अभी भी वो कीपैड वाला छोटा फोन यूज करते हैं, क्यों, उनको वो टच स्क्रीन वाला चलाते ही नहीं आता है, आया समझ में, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाओ कि उनसे भी बन जाए, कुछ समझ में आया, जैसे देखो इसी में बोल सकते हैं ई रूपी का यूज, यूपीआई का यूज है कि नहीं, बिल्कुल आएगा ई गवर्नेंस, उसमें सब कुछ आ गया अपना, आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। इनफैक्ट जैसे भाई फार्मर्स को लाना है तो अपने ई मंडी पढ़ा था वैसा है ना, अनलॉकिंग द बेनिफिट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड रिक्वायर कैटरिंग ऑफ डाइवर्स नीड, अब देखो क्या बोल रहा है, अगर हमें अनलॉक करना है बेनिफिट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड, डिजिटल पब्लिक गुड जैसे अभी ई गवर्नेंस ले लिया अपने, है ना, तो ये क्यों कब होगा, ये करेगा जब ये डाइवर्स नीड को कैटर करेगा, मतलब जैसे देखो अभी मैं बता रहा हूँ फार्मर्स की नीड क्या है, कि उनको पूरे इंडिया के रेट एक ही बार में पता लग जाए फटाफट, आ रहा कुछ समझ में, इसलिए हमने क्या बना दी भैया, ई मंडी बना दी, कि भाई नागपुर में क्या रेट है, जम्मू कश्मीर में क्या रेट है, वहां पे स्क्रीन पे चलता रहेगा। अरे देखा है कभी वो जैसे स्टेशन गए तो ट्रेन का चलता रहता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे आएगी, डिले है कि नहीं डिले, इस तरह से पूरा स्क्रीन पे चलता है, तो क्या हो गया, एक ई मंडी हो गया, वो मंडी में यही तो होता है, हाँ ना, ठीक है, और वहां पे वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल परचेस कर सकते हैं, मतलब हरियाणा का किसान नागपुर से भैया प्याज या टमाटर मंगा सकता है, इस तरह से, ठीक है, चलो पढ़ लोगे थोड़ा सा ये, पढ़ पाओगे, हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक है ना, देखो इस पे लिखा भी है, जैसे देखो है ना, पढ़ के आना थोड़ा सा, वो सारे इसमें दिए यार, देखो दिया ये, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जरा ये पता करके, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और एक है एग्री स्टैक, क्या है ये, है ना, फिर क्या है भैया, एक अभी अपने ने पढ़ा क्या है, यूपीआई 123 पे, ये पता कर क्या हो, क्या है ना, फिर देखो जैसे आरबीआई ने क्या इनेबल कर दिया, अभी कार्डलेस कैश है ना, आप किसी भी एटीएम पे जाओ, आप आपको क्रेडिट कार्ड मतलब आपके एटीएम कार्ड की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हाँ होते हैं जैसे ओटीपी आ जाएगा भाई, ये भी तो हो सकता है, हाँ क्या चलता है, अच्छा ऐसा कुछ होता है, मेरे को नहीं पता भाई, है ना, इनको जानते हैं दिमित्री मेदेव,
नाम सुना है कभी, है ना? मैंने आपको बताया था पुतिन साहब ने काम किया था कि खुद कुछ टाइम के लिए क्या बन गए थे, पीएम बन गए थे, और एक व्यक्ति को क्या बना दिया था, राष्ट्रपति। ये वही है ना, पुतिन साहब के बिल्कुल खास माने जाते हैं ये। ठीक है, तो क्या धमकी दे रहे हैं हम, क्या यूज कर सकते हैं, न्यूक्स। क्या होता है न्यूक्स, न्यूक्लियर वेपन्स। बोले क्या होता पता नहीं, ठीक है। चलो फिर क्या है, ये भी कोई काम नहीं, इकोनॉमिक फोर्स का स्टे अब बद इंडिया इनका, ठीक है छोड़ो अभी ये वाला कोई काम का नहीं इतना। इंश्योरेंस बिल अनलाइकली टू बी टेकन ड्यूरिंग, ठीक है जरा पता कर क्या हो, क्या है ये द इंश्योरेंस बिल, जरा पता कर क्या हो क्या आ रहा है इसमें। लिख लिया, चलो देखो पर कैपिटा इनकम है ना, थोड़ा सा इसका पढ़ लेना कब कब क्या क्या थी, है ना। देखो आरबीआई में मेंटेन क्या स्टेटस को ऑन इंटरेस्ट रेट, स्टेटस को समझते हो, है ना, जैसा है वैसा ही यथा स्थिति बोलते हैं ना, ठीक है। है ना, देखो यहां क्या लिखा है इसका मतलब बताओ इस लाइन का, अरे क्या मतलब है इस लाइन का जल्दी बताओ, है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या है, बाइंग स्प्री कंटिन्यूस, इन्वेस्ट कितने करे इन्होंने, सिर्फ सिर्फ कितने में, है ना। स्प्री का मतलब होता है एकदम इकट्ठा आ गए सब लोग, आया को समझ। जो एफपीआई है उन्होंने क्या करा है, बाय करना चालू करा, और बाय करेंगे तो क्या, बाय मतलब शेयर खरीदे हैं, शेयर खरीदेंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा, और कितना आया है, ठीक है 45 करोड़ है भाई, 45,000 करोड़, फिर तो इतना भी लेगा तो भी 65 से ऊपर है वो, देखो कितनी आईटीआर फाइल्ड हुई है फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है आधा साल ही हुआ है, 4 महीने भी नहीं हुए ढंग से, ठीक है। और क्या है, ये क्या है भैया, ठीक है छोड़ो, चलो भाई अरे आज कितनी जल्दी लोड हो गया, क्या बोल रहा है, स्केलेटन ऑफ वेल फाउंड इन केरला फार्म, ठीक है समझते हैं। देखो कौन सी रिवर है, यक्का रिवर, कहां पे है ये, पलक्कड़, है ना, केरला, ठीक है। पर काम करने टॉप 10 कॉलेज इम्पैक्टफुल नहीं,
देखो क्या मिला है, 15-year-old skeleton of whale found in private farm. ठीक है, बढ़िया है. देखो कहीं से उठा लाए होंगे ये, तो रेड पड़ी उसमें पता लगा है ना, सीज्ड बोलते ना. ठीक है, क्या हो गया ये, क्या बोल रहा है. देखो ट्रक गायब हो गया जिसमें क्या था, एक पढ़ के आओ ये चीज लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC क्या होता है जरा पता करके आओ. 2-3 साल तक लगातार क्वेश्चन आया इस पे UPSC. APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी, क्या जरा पता करके आओ. ठीक है, द रिलेवेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एस रेजिस्टेंस, छोड़ दो बहुत ज्यादा हो जाएगा. फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट बेल ऑर्डर भीमा कोरेगांव केस नीड अ रीलुक. भीमा कोरेगांव केस पता आपको, भीमा कोरेगांव नाम सुना है कभी, नहीं सुना जरा पता करके आओ, बहुत अच्छी चीज पता लगेगी इसमें. अभी रिसेंटली यहाँ पे वायलेंस हुआ था एक, ठीक है, इसके भीमा कोरेगांव क्या है ना, और क्यों फेमस है ये जगह और क्या है ये सब चीजें पता करके आओ इसके बारे में. ठीक है, और देखो इस पे एक और केस भी आया है, क्या नाम है, UAPA, जरा ये भी पता करके आएंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. ठीक है, बहुत सारी चीजें है. अरे वो तो वहां पे था, ये अलग है, पढ़ो पता लगेगा. चीट क्या है, अ बिटर ट्रूथ इन महाराष्ट्र फील्ड, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट अ फेवरेबल लीगल एनवायरमेंट. ठीक है, आपको पता है ना, अभी अपने वो पढ़ा था कोऑपरेटिव्स, सबसे पहला ये कोऑपरेटिव वाला फंडा महाराष्ट्र शुगर केन वाला है, वहीं पर आया था, है ना. जैसे कई जो CM है महाराष्ट्र के, इन्हीं कोऑपरेटिव से निकल के आए, जैसे विलासराव देशमुख नाम सुना है, रितेश देशमुख नाम सुना है, हाँ उनके फादर ये CM थे महाराष्ट्र के वो. अरे समझ में, कौन रितेश देशमुख, एक्टर रितेश देशमुख, जानते हो ना भैया, उसको बड़ा जानते हैं सब. देखो जानना किसको चाहिए, ये फादर को अपने को. ठीक है, तो वो भी इसी तरह के कोऑपरेटिव से आगे चल के क्या बनते हैं, महाराष्ट्र के CM बनते हैं, है ना. तो थोड़ा सा पढ़ लोगे ये वाला, है ना, अरे पढ़ पाओगे. ठीक है, चलो अ क्राइसिस ऑफ एकेडमिया एथिक्स इन इंडिया, क्या है? मतलब देखो बताया जाता है, जैसे देखो बोल रहा है कि UAPA में क्या बोल रहा है वो, सबसे पहली बात तो कौन सी एक्टिविटीज है, अनलॉफुल एक्टिविटी किया जाना चाहिए, प्रिवेंट किया जाना. यहाँ पे हो सकता है रेगुलेट भी लिख सकते थे, यहाँ पे कंट्रोल भी लिख सकते थे, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है. तो हमारा हमारा जो लॉ कैसा होता है, रिफॉर्मेटिव है, तो इसको कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज को होने से पहले ही हम रोक सकते हैं. कुछ समझ में आ रहा है, मतलब बोलते ना आपको शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा रहा है, आ रहा कुछ समझ में, क्यों, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कुछ आप समझ में आया, सिंपल है. ठीक है, पर अगर यहां पे मान लो रेगुलेशन लिख देते तो क्या होता, तू कर सकता है तू नहीं, इतना अलाउड है इतना नहीं, ये होगा इसका मतलब ऐसा. ठीक है, ठीक है, टू ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एजुकेशन में क्या है, एक तो है डेटा मैनिपुलेशन और
प्लेगरिज्म या प्लेजरिज्म, क्या होता है प्लेजरिज्म? कॉपी पेस्ट करना, या फिर किसी और ने मेहनत की हो और उसको बस देख के अपना बता के बेचना लग जाना। जैसे होता है ना भाई, किसी ने नोट्स लिखे है ना, उसके नोट्स कॉपी कर लिया और फिर दुनिया में ढिंडोरा पीटना कि नोट्स किसके हैं, मेरे हैं, मेरे। आया समझ पे? क्या बोलते हैं इसको? प्लेजरिज्म। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन तो समझते ही है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, ये क्राइसिस आ गया किस चीज में? एथिक्स में। भाई जाओ खुद जाके रिसर्च करो और अपना डेटा लेके आओ, किसी और की मेहनत पे क्यों कर रहे हो, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया इसी के कारण क्या हो रहा है, रिसर्च में पीछे है। हमारी यूनिवर्सिटीज पीछे क्यों है, एक बात बताओ तुम लोग, सब लोगों ने टेंथ वगैरह में वो फिजिक्स वगैरह के प्रैक्टिकल किए है ना, है ना? कितनों ने एक्चुअल डेटा लेके आए या कितनों ने पुराने साल की कॉपी निकाली है? ऑलमोस्ट सब ने, है ना, पिछले साल जो निकाल ली वो लैब में से और उसी को टाप के बना दी, आना रिसर्च हुई वहां पे। जबकि उसका काम था कि आप लोगों को रिसर्च करना सिखाना। आया को समझ में? प्रॉब्लम है, इस कारण हम पीछे हैं। देखो हर्डल्स टू ओवरकम बिफोर बिकमिंग, है ना? तो भाई क्या है इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मेरे को तो ये तक पूछना पड़ता तुम लोगों से। हाँ भाई, हर्डल्स टू ओवरकम बिफोर बिकमिंग डिजिटल इंडिया, इसका क्या मतलब हुआ जल्दी बताएं? क्या क्या हर्डल्स? हर्डल्स मतलब रुकावटें हैं, है ना? व्हाइल डिजिटल ट्रांजेक्शन हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली, इंडियाज परफॉर्मेंस इन इज अनइम्प्रेसिव कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है पर फिर भी परफॉर्मेंस कैसा है, कम है। तो पढ़ पाएंगे थोड़ा ये वाला, ठीक है? चलो उसके बाद क्या रहा है, टू चिंग, व्हाट इज लिंचिंग, मारना। क्या 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 क्या? जर्मनी में नहीं रहे, यूएस में होता था ये, है ना? लिंचिंग का मतलब है बहुत बुरी मौत मारना एक तरह से, है ना? तो क्या है भैया, स्टेट का रिस्पांस कैसा है? बड़ा लेक्स है, मतलब ठीक है, लच्ची, वो क्या बोलेंगे ना, लेक्स का वर्ड हिंदी होगा, आलस भरा तो नहीं बोलते, हाँ इस तरह से कि मतलब हाँ ठीक है, काम टालू टाइप से, है ना? आया समझ में? अभी आपने देखा है अभी, है ना? देखो इसमें एक दिया है, व्हाट वाज तहसील जजमेंट, थोड़ा सा पढ़ोगे? ठीक है, एक वर्ड होता है सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट का मतलब होता है जैसे भाई एक डॉक्टर, उसका काम है कहीं भी मरीज दिखे तो उसका क्या करना, आ रहा समझ में? उसके ऊपर क्या है सैक्रोसेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ना है ना, विमेन के ऊपर वायलेंस का अभी देखा है, नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है, उसी सब चीजों को लेकर है ये, है ना? फिर क्या है, व्हाट इज, एक मिनट क्या लिखा है, बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, पता करके आ जाएंगे आप। ठीक है, क्या है, व्हाट इज सैम अल्टमैन बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर देखो व्हाट इज, क्या है, वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, हाउ इज चैट जीपीटी मेकर ओपन आई रिलेटेड टू दिस, क्या है, एक तरह का तो प्रोजेक्ट है। और वर्ल्ड कॉइन मतलब क्या हो रहा है, वो डिजिटल करेंसी बना रहे होंगे, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन बीन क्रिटिसाइज, व्हाट डेंजर डज इट पोस, काम का आर्टिकल है, ठीक है। एक बार ये भले ही मत पढ़ना पर ये तो पढ़ना भैया, ये तो देख के बता सकते हो क्या है, ये एक क्वांटम कंप्यूटर है। देखो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिंग द डेटा इन द एज ऑफ, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेंगे अपन, कुछ है दिख रहा है, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, मैंने बाकी समझा देता ना क्वांटम काम कैसे करता है। अभी अभी जो कंप्यूटर पर कैसे काम करते हैं, बाइनरीज पे, बाइनरीज पे बोलो, बाइनरी में क्या जाता है, जीरो और वन, यहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो और वन तो है ही है, जीरो और वन एक साथ भी हो सकते हैं, और मतलब जीरो वन और वन जीरो, तो इससे क्या हो जाएगा, चीजें बढ़ जाएगी, ठीक है, हो रहा है।
बर्थडे ऑफ बोथ हैरी पॉटर एंड हिज कैरेक्टर जेके रोलिंग. नेम द मेल डिटेक्टिव प्लेड बाय टॉम बर्क सीरीज ऑफ नॉवेल रिटन बाय रोलिंग अंडर द स्यूडोनिम रॉबर्ट गिल्बर्ट. नहीं पता भैया, है ना? ये स्यूडोनियम पता है आपको क्या होता है? स्यूडोनियम इस वर्ड का मतलब है, देखो रिटर्न किसने करा है पर वो क्या नाम लिख रही है. आप लोग क्या लगेगा, बुक किसने लिखी है पर एक्चुअली बुक किसने लिखी है, और ये क्या होता है, एक स्यूडोनियम, है ना? पेन नेम अलग चीज होती है, स्यूडोनियम मतलब हम जानबूझ करके अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं. आया समझ में? इसको पेटेंट करा लिया, अरे है ही नहीं ये बंदा, कुछ एक नाम रख लिया बस. ठीक है, लो भैया, टू इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक कोस आइलैंड. ठीक है, वो देखा ना, वो लोको कोको खुला है यहाँ पे, एक देखा है, उनको बताना एक कोको है भी भैया. ठीक, देखो पता कर लेना कौन कौन से दो इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट गए हैं यहाँ पे, है ना? पता चला यूपीएससी वही पूछती है ऐसी फालतू चीजें. आए समझ में? देखो क्या लिखा है, एक चीज, इवन बिफोर द इंडियन मिलिट्री रीच देयर कोको आइलैंड हैड बीन अ पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्पेस एजेंसीज ऑफ टू कंट्रीज ऑफ इंडियाज गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन. मतलब देखो गगनयान में कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है अपनी, ऑस्ट्रेलिया, है ना? और ठीक है, है ना, जरा इन दो आइलैंड के बारे में पता करके आ जाएंगे, कोको क्रिश्चियन आइलैंड्स. ठीक है, और कुछ ए भाई, रेलवे टू स्टडी वायबल टू इंट्रोड्यूस. अभी देखा ना इंदौर वाले, वो आ रहा भी है जो वंदे भारत, तो खाली जा रही है ऑलमोस्ट. पिछली बार सिर्फ 4 लोग गए यहाँ से, पता है वंदे भारत में, तो बोल रहे कि भाई लॉन्च तो करे जा रहे हैं पर उसको क्या नहीं कहे, वो उसकी वायबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं. वायबिलिटी का मतलब उपयोगिता. आया समझ में? पता करो, मुझे क्या पता, वो बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया का है, देखो तो सही कहां आता है, उसकी लोकेशन क्या है. ठीक है, ऐसा इंडिया वहीं क्यों जा रहा है, है ना? कोको आइलैंड पे क्यों जा रहा है, कहीं और भी तो जा सकता था भाई, है कि नहीं? यही तो पता करना है. देखो पीएसएलवी ने कितने सैटेलाइट पुट करे, 7 4 मोर मिशन ईयर. देखो प्राइमरी सैटेलाइट कौन सा है इनका, DSSAR, है ना? पता कर लेंगे इसको. है ना, अभी अपन ने देखा स्पेस जंग, वही वाला ये. और कुछ काम की चीज दिख रही है इसमें, बहुत सारा है. जैसे देखो क्या है ये, आर्केड, है ना, स्कूप, देखो कितनी सारी है. कुछ नैनो टेक्नोलॉजी पे है, सैटेलाइट भी है, दिख रहा है? एशिया का अच्छा, क्रिसमस है कि क्रिश्चियन आइलैंड है ये, मतलब यार ये तो है ना. देखो क्या बोल रहे हैं, अनयूज्ड उड़ान रूट विल बी अप फॉर रीबिल्डिंग और रीबिडिंग, है ना? क्या मतलब हुआ इस लाइन का बताएगा कोई? अनयूज्ड उड़ान रूट विल बी अप फॉर रीबिडिंग, मतलब आन यादे क्या है, उड़े देश का आम नागरिक. तो देखो उसके कुछ रूट डिसाइड हुए थे,
उड़ान में अपने देखा था जो छोटे एयरपोर्ट है उसको भी क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा, पर किसी किसी में क्या रहेगा वो तो उसको वापस से बुला रहे हैं उनकी बिडिंग के लिए, कोई कंपनी को देंगे कि भाई ये वाला एयरपोर्ट आप संभालो, आया समझ में? चलो कुछ थोड़ा सा है ना अपना चीजें, थोड़ा तुम लोगों को न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो, पूरा पढ़ा करो, मतलब ऐसा होना चाहिए कि लाइन पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाए कि बात क्या चल रही है, आए समझ में? अगर ये सीख गए तो कल को ये होगा कि जब मेंस में क्वेश्चन आएगा ना तो तुम क्वेश्चन देख के जान जाओगे कि इसका आंसर क्या लिखना है, ठीक है? इनफैक्ट प्री में ये हालत है हो जाएगी। अरे और भी होंगे ना भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। सेल फ्री डीएनए प्रोमिसेस टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी फाइंड डिजीज इन, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, जरा पता करके आओ ये क्या होता है सेल फ्री डीएनए, है ना? ये क्या हो रहा है मच्छरदानी में? ठीक है चलो खत्म करें।